डभोई नगर में भी रामनवमी पर्व को मनाने के भाग रूप राम टेकरी स्थित आए हुए पौराणिक राम जी मंदिर पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। डभोई नगर में भी रामनवमी पर्व को मनाने के भाग रूप राम टेकरी विस्तार में आए हुए पौराणिक हरिहर आश्रम के महंत श्री विजय महाराज की विशेष उपस्थिति में राम जी मंदिर से भव्य शोभा यात्रा का प्रस्थान किया गया था। जो शोभा यात्रा नगर के विविध विस्तारों में प्रस्थान करने के बाद वापस निज मंदिर पर लाई गई थी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के जन्मोत्सव को मनाने के तहत कृष्ण चंद्र पूर्ण पुरुषोत्तम माना जाता है, जहाँ श्री राम का जन्म चैत्र माह की नवमी के दिन हुआ था। रामनवमी का महत्व काफी अनोखा और अनूठा होने के बीच ये पादुभाव को पवित्र दिन मनाने के तहत डभोई नगर में विशेष धार्मिक महिमा के साथ ही जप तप राम तथा जय श्री राम के जय घोष के साथ शोभा यात्रा का प्रस्थान किया गया। ये त्रेतायुग में भगवान का जन्म हुआ था, शुक्ल पक्ष में चैत्री नवरात्र के नवमी के दिवस हुआ था। और भगवान का जन्म होते ही भगवान ने चतुर्भुज रूप में पैदा हुए थे, इसलिए उनकी माँ उनके तरफ से मुँह फेर करके कहा कि, तो भगवान ने कहा माता ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा हम बालक के रूप में आपको स्वीकार करना चाहते हैं, इसलिए आप बालक रूप में आओ। तो भगवान ने चतुर्भुज त्याग करके दो भुजवा वाला हुए मनुष्य के रूप में। इसलिए आज का जो दिवस है ये नवमी का दिवस है, जो भगवान लालित है मनुष्य के रूप में आने के लिए। तो भगवान हम तो ये कहते हैं कि हर मनुष्य को ऐसा होना चाहिए कि भगवान की लीला को देखकर अपने चरित्र को भी देखना चाहिए, किसी कष्ट को स्वीकार करना चाहिए, किसी दुख को भी सहकर स्वीकार करे, इसलिए संसार में सबको सुख मिलेगा। क्योंकि राम का नाम एक ऐसा नाम है कि नारद भगवान ने लास्ट में उनसे आकर के कहा कि भगवान जितना जन्म हुआ उसमें सबसे श्रेष्ठ राम का नाम हुआ, इसलिए लोग जीते भी राम का नाम लेते हैं और मरने के बाद राम राम सत्य करते हैं। इसमें हमारे सब जितने कार्यकर्ता हैं, ये आशीष हैं, क्या नाम है, मितेश भाई हैं, अमित भाई यहाँ पे खड़े हैं और बहुत लोग खड़े हैं, पर ये लोग ज्यादा अधिकतर मतलब इसमें सहयोग दिए हैं, इसलिए इन लोगों का भी हम आभारी है। और संसार के लिए भी हम ये प्रार्थना करें कि सब राम का जन्म का उत्सव मनावें, इसमें सबको फायदा और लाभ होगा, सबको आशीर्वाद मिलेगा।